राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन की एक बैठक शुक्रवार को एजाज अलीहाल बिजनौर में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष एम आर पासा व संचालन प्रदेश अध्यक्ष सदाकत हुसैन, जिला प्रभारी लोकेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया। राष्ट्रपति के नाम विज्ञापन जिलाधिकारी बिजनौर को दिया गया है। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के अध्यक्ष एम आर पासा ने दिव्यांगों का आरक्षण समाप्त करने का विरोध किया तथा पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन करने को कहा। 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आवास का घेराव, 20 नवंबर को पीएमओ कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी। इस मौके पर ज्ञानेंद्र तोमर, मोहम्मद जिसान, रियासत राजा मोहम्मद आजम खान, शहीद अहमद सलमानी, जाकिर आदि उपस्थित रहे। 24 न्यूज इन इंडिया वेब पोर्टल चैनल के लिए बुरहनपुर से मोहम्मद वसीम अहमद की रिपोर्ट। हम राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के बैनर तले, उसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसमें जो सामाजिक न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो अधिसूचना 18 अगस्त को धारा 34 के तहत जो अधिसूचना जारी की गई है, उसमें सरकारी नौकरी में जो दिव्यांगों को आरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया है। उसको लेकर हम राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन बैनर तले महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है, जिसमें अधिसूचना को रद्द कर जो दिव्यांग आरक्षण था वो बहाल किया जाए। अगर दिव्यांग आरक्षण को था बहाल नहीं किया गया तो हम लोग पीएमओ कार्यालय दिल्ली और मुख्यमंत्री आवास 3 दिसंबर का घेराव करेंगे और हमारा संगठन सड़कों पर उतरेगा, धरना प्रदर्शन करेगा और चक्का जाम करने पर मजबूर होगा। और भी हमारी जो दिव्यांग साथियों की मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो हम लोग धरना और सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे।